फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आते ही एकदम से एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो यार आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ यार मेरा सेकंड ईयर का वीकली पूरा टाइम टेबल क्या रहता है एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो यार फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में एकदम से थोड़ा सा शिफ्ट आया है, तो अगर तुम्हें जानना है कि सेकंड ईयर में क्या होता है ऐसा जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा तुम्हें और आइडिया लगेगा तो बेटर रहेगा। और प्लस थोड़ी सी रैंट टाइप की होगी जो मेरे को करनी है, प्लस तुम्हें कुछ इनसाइडर हैक्स भी मैं बीच बीच में बता रहा हूँ, तो बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। सो ठीक है यार, तो मैंने यहाँ पे खोल रखा है अपना वीकली टाइम टेबल, तो तुम्हें बताना पहले स्टार्ट करता हूँ यार। तो सबसे बड़ा जो चेंज आया यार सबसे पहले कि यार फर्स्ट ईयर तक हमारी 19 आवर्स पर वीक क्लासेस होती थी अप्रॉक्सीमेटली, बट सेकेंड ईयर आते ही वो डायरेक्ट 27 आवर्स पर वीक हो गई है ना। तो मतलब मोर देन 50% अराउंड जंप है, तो बहुत बड़ा जंप है। तो ये वाली चीज़ थोड़ी है, हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं जब क्लासेस होती है। थोड़ा सा तो मैं टाइमिंग बताता हूँ यार। सबसे पहले सब्जेक्ट्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यार सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है EAD, इंजीनियरिंग एनालिसिस डिज़ाइन। अगर इस पार्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो स्किप कर देना, है ना। सेकेंड है यार हमारा डिजिटल डिज़ाइन। थर्ड है यार हमारा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। फोर्थ है यार हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। फिफ्थ है हमारा EIM, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट। एंड फिर हमारा सिक्स्थ है यार FEC, जो इलेक्टिव तुम चूज कर सकते हो। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखता है तुम्हारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं टाइम टेबल की तरफ, कितनी क्लासेस रहती है। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे से। तो मंडे को यार 9 से 1 बजे तक हमारी लगातार क्लासेस होती है। तो यार 9 से 10 पहले EAD की क्लास हो रही होती है, 10 से 11 हमारी EAD की क्लास अगेन हो रही होती है, 11 से 12 हमारी AE की क्लास, एंड 12 से 1 हमारी EIM की क्लास। तो ये सारे लेक्चर्स होते हैं, तो ये हमारे सबसे पहले 9 से 1 में हो जाते हैं। फिर 1 से 2 में ब्रेक मिल रहा होता है, और उस ब्रेक में भाई इतनी भीड़ होती है पूरे कॉलेज में, क्योंकि शायद उसी बीच ज़्यादातर बच्चों को ब्रेक मिल रहा होता है। कैंटीन में हम खाने जाते हैं, खाना नहीं मिलता, मतलब झीना झपटी चल रही होती है, वाह क्या सीन है। तो इतना प्रॉब्लम हो रखा है, बट ठीक है कोई नहीं, मैनेज करते किसी तरह। उसके बाद 2 से 4 हमारी एक और क्लासेस होती हैं, 2 से 3 हमारी DD की क्लास होती है डिजिटल डिज़ाइन, एंड 3 से 4 हमारी SNS की क्लास होती है सिग्नल्स एंड सिस्टम। फिर यार 4 बजे के आसपास हम लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं, और फिर सब अपना अपना काम करते हैं, सबके अपने अपने हिसाब से होते हैं। अगर मैं तुम्हें अपना पर्सनली बताऊं तो यार 5 बजे के आसपास हम लोग या तो कहीं खेल रहे होते हैं, या तो अगर कोई काम इंपॉर्टेंट होता है तो वो कर रहे होते हैं, या तो फिर इन जनरल ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत सो वो के कुछ पढ़ने भी लग जाते हैं। तो इससे रिलेटेड काम हो रहे होते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना वर्क तुम्हारे पास रह रहा है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद यार फिर 7-8 बजे के आसपास खाना वाना खा के रात को थोड़ा बहुत बातें बातें करके अपन लोग सो जाते हैं। तो ये रहता है यार एक पूरा स्केड्यूल। अब यहाँ पे यार अगर मैं फर्स्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो बस 3 से 4 घंटे की क्लासेस हो रही होती है, बट अगर तुम यहाँ देखोगे तो यार 6-7 घंटे की क्लासेस हैं। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जिसमें एडजस्ट होने में हमें अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। अब यार तुम्हें एक और इनसाइडर हैक बताऊं, अगर तो यार मैं तुम्हें बताऊं, फर्स्ट ईयर में हमें लगता था यार कि क्लासेस कितनी चिल होती हैं कॉलेज में, है ना, बट सेकेंड ईयर में यार थोड़ा सा उल्टा सीन देखने को मिल रहा है। क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं, टीचर्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, चीटिंग करता है तो वो बहुत मतलब ऐसे पढ़ाते हैं कि एकदम फोकस्ड होके एकदम अच्छे से, तो मतलब उसमें तुम कुछ भी ज़्यादा चीज़ें क्लास में नहीं कर सकते ऑनेस्टली तुम बताओ। तो मैं फुल फोकस से उनके क्लास को अटेंड करना ही होगा। हाँ भाई आगे स्वाद। सो अब बढ़ते हैं ट्यूसडे की तरफ। तो यार ट्यूसडे है सबसे ज्यादा चिल दिन, तो इसे हम देंगे चिल ट्यूसडे। हाँ तो चिल ट्यूसडे को यार हमारी सिर्फ 2 क्लासेस हैं। सबसे पहले हमारा 10 से 12 एक लैब होता है, और फिर 12 से 1 हमारी क्लास होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये 10 से 1 में अपन लोग निपट जाते हैं, तो इस दिन काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। कोई और चीज़ें अगर ट्राई आउट करनी है तो तुम इस दिन मतलब कर सकते हो, जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करना। तो यही 10 से 1 अपना ट्यूसडे हो गया, और 4 से 6 हमारी FEC होती है, लेकिन वो उन्हीं की होती है जिनकी ट्यूसडे FEC होती है। मेरी FEC थर्सडे होती है, तो वो मैं थर्सडे वाले बताता हूँ। और अब हम बढ़ते हैं वेडनेसडे की तरफ। तो यार वेडनेसडे को अगेन 10 to 4 तक हमारी क्लासेस हो रही होती हैं, विद 1 to 2 एज अ ब्रेक। तो अगर तुम्हें स्पेसिफिकली जानना है तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ। 10 to 11 DD की क्लास, 11 to 12 हमारी SNS की क्लास, 12 to 1 हमारी EIM की क्लास, एंड 2 to 4 हमारा लैब हो रहा होता है। अब यार एक और तुम्हें चेंज बताऊँ फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, जो एक मेजर चेंज आता है वो यार कि फर्स्ट ईयर में यूजली हमारी लैब्स 2 सब्जेक्ट्स की हो रही होती हैं,
बट यहाँ पे यार हमारी 4 से 5 सब्जेक्ट्स की लैब्स हैं, हमारे वाले डिपार्टमेंट में 4 सब्जेक्ट्स की लैब है, तो मतलब लगभग जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो थ्योरी में उसका प्रैक्टिकल लैब भी हो रहा होता है, तो ये एक चीज डिफरेंस काफी मेजर है। सर अब बढ़ते हैं थर्सडे की तरफ, तो थर्सडे का क्या सीन रहता है, थर्सडे इज द मोस्ट हेक्टिक डे, ठीक है, तो थर्सडे को यार 9 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरी क्लासेस हो रही होती हैं विद 12 to 2, एक 2 घंटे का ब्रेक होता है इसमें। तो यार बेसिकली क्या रहती हैं क्लासेस, मैं तुम्हें बताता हूँ, 9 से 10 रहती है तुम्हारी ईएडी की क्लास, 10 से 11 ईएडी की क्लास, मतलब 9 से 11 ईएडी की क्लास, फिर 11 to 12 हो रही होती है हमारी एसएनएस की क्लास, फिर 12 to 2 तक हमारा एक ब्रेक हो रहा होता है, और फिर 2 to 4 हमारी डीडी की क्लास और ईआईएम की क्लास हो रही होती है, एंड देन 4 to 6 मेरा एफईसी हो रहा होता है। तो जिनका एफईसी ट्यूजडे हो जाता है उनका थोड़ा सही है थर्सडे, बट मेरा तो यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो कोई टाइम ही नहीं मिलता, सीधा मैं आराम से जाके सो जाता हूँ, फिर खाना खाने जाता हूँ, तो उस दिन तो पूरा चला जाता है, बट यही है, अब है तो मैनेज तो करना पड़ेगा। फ्राइडे पे बढ़ने से पहले यार अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहीं पे मिल रही होती है। बट अब चलते हैं फ्राइडे की तरफ, तो यार फ्राइडे को हमारी 10 से 4 क्लासेस हो रही होती हैं, तो ये वाली क्लास लगातार हो रही है, 1 घंटे का भी ब्रेक तुम्हें बीच में नहीं देखने को मिलता, इस वजह से यार थोड़ा सा फ्राइडे को भी हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि लगातार क्लास टू क्लास क्लास टू क्लास तुम्हें जंप करना पड़ता है। तो अब बढ़ते हैं कि क्या क्या क्लासेस कब कब होती हैं, तो 10 से 11 तुम्हारी ईएडी की क्लास हो रही होती है, 11 से 12 ए की क्लास हो रही होती है, 12 से 2 तुम्हारा एक लैब हो रहा होता है, और 2 से 4 तुम्हारा एक और लैब हो रहा होता है। तो ये रहता है यार पूरा सीन हमारे एक हफ्ते का। अब तुम यार कुछ बच्चों को डाउट होगा कि बाकी ब्रांचेस में क्या सीन रहता है, या तो बाकी ब्रांचेस में भी जो नंबर ऑफ आवर्स पर वीक है ना वो लगभग सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मेरे को एक बात पता चली है कि कितनी क्लासेस हो रही हैं एक्चुअल में, मतलब कैंसिल नहीं हो रही, और प्लस कितने टीचर स्ट्रिक्ट हैं, प्लस कितना तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है, वो थोड़ा सा डिपार्टमेंट वाइज वैरी कर रहा है, तो है ना। तो ये वाली सीन रहती है, जैसे हमारे कॉलेज में अगर मैं बताऊँ तो सीएस वाले में थोड़ा सा चिल सीन देखने को मिल रहा है कंपेयर टू ईसी वाले, तो ये वाला थोड़ा सा रह रहा है, बट ठीक है यार मैनेज करेंगे, यही है। एकदम से यार हमारा 19 आवर्स पर वीक से 27 आवर्स पर वीक हो गया है, तो थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किल आ रही है, बट धीरे 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 इसमें भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये थी यार आज की वीडियो, आई होप तुम्हें थोड़ा आइडिया लगा हो, और कौन से वीडियोज चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।